इस वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो जो आप वायरल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यार मैंने इस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाई है, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखो यार गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो ट्रिक जो है वो तो वर्क कर रहा था, लेकिन यार गाइस एक प्रॉब्लम आ गई कि जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम है वो दिन पे दिन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो एक बार और फिर से चेंज हो चुका है एल्गोरिथम और कुछ लोगों में व्यूज़ आना बंद हो गया है। बट डोंट वरी, डरने की ज़रूरत कोई बात नहीं यार, आएगा, ठीक है, आएगा व्यूज़, आराम से आएगा। तो चलो बताता हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले तो आपको एक नया अकाउंट बनाना है जो कि एकदम फ्रेश हो। अगर आपका अकाउंट नया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट पुराना है तो मैं आपको बता दूं यार, उस पे जो व्यूज़ है वो एकदम 100-200 पे ही अटका रहेगा और 1000 पर ही रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ने वाला। तो अगर आप ओल्ड अकाउंट बनाए हो तो यार फटाक से जाओ नया अकाउंट बना लो। नया अकाउंट पे ज़्यादा इंस्टाग्राम रीच देता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रीच जाएगा, इंगेजमेंट हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो आपको नया अकाउंट बनाना है एंड स्टार्टिंग में आपको अनफॉलो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग यही मेन गलती कर देते हैं, फॉलो अनफॉलो कर देते हैं, तो आपका जो इंस्टाग्राम का बूस्ट वाला रहता है वो डाउन हो जाता है, बूस्टिंग नहीं करता, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है कि आप क्या कार्य कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। यही गलती करते हो तो नहीं होता है, तो आपको ये सब बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कुछ फ्रेंड को फॉलो कर लेना है, जैसे मान लीजिए पुरानी आईडी है आपकी, तो उनसे कहिए, स्टोरी पर लगा दीजिए कि मेरा न्यू आईडी है तो इसको फॉलो करो। स्टार्टिंग में आप कुछ फॉलोअर्स ला लो, मान लो 60-70-100 फॉलोअर्स ला सकते हो, तो इतना तो ला ही सकते हो, तो आप लोग ला लीजिए इतना, ठीक है। जैसे कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं 100-200, उसके बाद आप एक रील्स डालिए, ठीक है। पहले दिन तो नहीं डालना है जब तक रील्स का ऑप्शन ना आ जाए नए अकाउंट में। जब रील्स का ऑप्शन आ जाएगा तो एक रील्स डालिए आप, ठीक है। एक रील्स डालने के बाद उस पर अच्छा खासा हैशटैग लगा दीजिए, ठीक है। और रील्स कैसे डालना है ये भी मैं आपको बता दूँ। रील्स पहले आपको हैशटैग वगैरह सब कुछ लिख लेना है, उसके बाद ड्रॉप्ट में सेव कर देना है। ड्रॉप्ट में सेव करने के बाद जस्ट 1 मिनट के बाद ही तुरंत आपको वो पोस्ट कर देना है। पहले सेव करना है, उसके बाद पोस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले सेव कर दीजिए ड्रॉप्ट में, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है, यानी ओके। तो उसके बाद अपलोड कर दिए, उसके बाद रील्स को छोड़ दो। स्टार्टिंग में सारे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, स्टोरी पर लगा देंगे, एंड स्टार्टिंग में व्यूज़ आपका नहीं आएगा, पता है। बट मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको रील्स डालने के बाद 3 से 4 दिन बाद दूसरा रील्स डालना है। 3 से 4 दिन बाद मतलब बीच में गैप देना है। गैप देने से ये रहेगा कि देखो यार, आजकल लोग जो है वो डेली वीडियो डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इंस्टाग्राम पर, ओके। तो ये रील्स का फीचर जब से लॉन्च हुआ है ना, स्टार्टिंग में तो सही व्यूज़ आ रहा था सबका, लेकिन अब जो है इतने सारे लोग डालने लगे हैं कि अगर आप डेली डालोगे, नए क्रिएटर डेली डालेंगे तो उनका व्यूज़ जो है वो लो ही आएगा, ठीक है। बड़े क्रिएटर बात नहीं कर रहा, उनका कैसे वैसे भी व्यूज़ आ जाएगा, कुछ फॉलोअर्स लाइक कर देते हैं तो उनकी उसकी वजह से इंगेजमेंट बढ़ जाता है ज़्यादा। तो आपको 3 से 4 दिन डालना है फर्स्ट रील्स डालने के बाद, 3 से 4 दिन के बाद और डाल देना है, जैसे 3-4 रील्स आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक ही। जब आप रील्स डाल देते हो तो उसके बाद आपके व्यूज़ जो है वो आराम से आ जाएंगे 3 से 4 हज़ार। मेन बात तो होता है कंटेंट की, आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल बेकार नहीं होनी चाहिए कि देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो नए नए ट्रेंडिंग सॉन्ग पर बनाइए, इससे ये रहेगा कि आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक करेगी। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ट्रांजिशन वीडियो बनाना आता है तो आप उसको भी बना सकते हैं, वो काफ़ी भौकाली वीडियो रहता है, उससे आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने का चांस रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो वायरल करना है तो आप एस्थेटिक मेम्स एंड कई सारे स्टेटस वीडियो बनाकर स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, ये बहुत जल्दी वीडियो वायरल होती है। और जब वीडियो वायरल होगी तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डालना शुरू कर देना है, अपने फेस का, ठीक है। इससे अच्छा खासा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो सारे में व्यूज़ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। एंड आपको रील्स डाल के छोड़ देना है, स्टार्टिंग में तो आपको 0-1-2 व्यूज़ दिखेंगे, लेकिन बाद में आपको उसे डिलीट नहीं करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपके में व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी क्यूरी हो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं मुझे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।